पटियाला से कुछ 50 किलोमीटर दूर छोटा सा टाउन पात्रान, यहाँ हर सुबह कुछ ऐसा ही नजारा दिखता है। अरे ये अचानक अलर्ट मोड में कैसे आ गए? था कौन वो? फॉलो मी। अरे पर तुसी हो कौन? OMG, मैं 8th क्लास में था जब मेरी सिस्टर के लिए मेरे पेरेंट्स साइकिल लेके आए। उसको गिरने से डर लगता था और मैं उसको सीखना चाहता था। मेरे अंदर वो डर नहीं था। मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि साइकिल नहीं चला पाएगा, ठीक है। मैंने उसके ऊपर बैठ के थोड़ा हाफ पैंडल मारना शुरू किया, थोड़ा आगे बढ़ा। उसी हाफ पैंडल ने ऐसे लगा कि मेरी लाइफ चेंज कर दी है। और इसी हाफ पैडल से जगविंदर ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि अलग अलग स्टेट्स में जाकर मेडल जीतना उनके लिए नॉर्मल बन गया। और ये तो पटियाला की 212 किलोमीटर की साइक्लोथॉन भी कंप्लीट कर चुके हैं सिर्फ 9.25 घंटे में। और खास बात ये है कि कई रेसेस में जगविंदर उन साइकिलिस्ट को भी हरा चुके हैं जिन्हें नॉर्मल कहा जाता है, क्योंकि जगविंदर नॉर्मल नहीं, अमेजिंग है। कि जब भी आपके लिए कोई क्लैप करता है, आपको कोई शाबाश देता है कि यस यू आर सो गुड, लगे कि हाँ यार ये वर्ड आपके लिए बना है। आपके लिए तो एक और वर्ड बन गया है जगविंदर सिंह, और वो है सुपर सिंह। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुपर सिंह को इतनी सुपर साइकिलिंग किसने सिखाई? मैंने गिरने से सीखा है। फिर उसको पता चलता है कि गिर के खड़े होना क्या होता है। तो साइकिल थोड़ी तेज चलाने की आदत थी, कंट्रोल हुई नहीं तो वो जाके खंबे में लग गई। तो उसके बाद साइकिल का देखा तो उसकी ब्रेक फ्रंट से ऐसे सीधी थी और वो ऊपर हो गई। तब मुझे पता चला कि हाँ यार, अगर मैं अपनी जो आर्म है छोटे वाली, तो अगर मैं उसके ऊपर रखता हूँ तो प्रेस करूँ तो ब्रेक लग जाएगी। तब मैंने ब्रेक लगाना सीखा। ये भाई साहब तो इतनी बार गिरे हैं कि इन्हें खुद याद नहीं। फिर भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब इन्होंने साइकिलिंग या एक्सरसाइजिंग बंक की हो। चाहे साइकिलिंग हो या जिंदगी, जगविंदर को डिसिप्लिन सिखाई उनकी माँ ने। मैंने टीचर बन के जगविंदर को पढ़ाया, नौकर बन के सिखाया, माँ बन के पालिया। डिसेबल बच्चा जब भी कोई पैदा होता है, फर्स्टली उसको खुद को नहीं पता होता कि मैं डिसेबल्ड हूँ। उसको सबसे पहले फेस करते हैं उसके पेरेंट्स। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लड़के लड़के जिनको वो पेरेंट्स मिलते हैं जो अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। उनमें से एक मैं खुद हूँ। ऐसी मम्मी जी को OMG का सल्यूट। मम्मी जी ने अपने बेटे को बचपन में ही इस्तेमाल करना सिखा दिया अपने पैरों का सुपर पावर। ये लो एक और सरप्राइज, जगविंदर पात्रान की स्कूल में बच्चों को ड्राइंग भी सिखाते हैं। धीरे धीरे वो मेरे साथ एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट नहीं, वो एज ए फ्रेंड बन गए मेरे। जब मुझे लगा कि हाँ यार ये मूवमेंट बड़ा अच्छा था, भी उनको लगता था कि कोई टीचर है जो हमें पैरों से अब कुछ ड्रॉ करके दिखा रहा है, हमें ड्राइंग पेंटिंग सिखा रहा है। He is a dreamer, तो वही सेम इंस्पिरेशन उसने हमारे बच्चों में दी कि ऐसा नहीं है कि कुछ पाने के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए, जितना भी है उसी के साथ हम अपने ड्रीम्स को, हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। कहते हैं कि मंजिल चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, मेहनत और शिद्दत के आगे मुश्किलों को झुकना ही पड़ता है। जगविंदर सिंह आज पात्रान के लिए नहीं पूरे देश के लिए एक इंस्पिरेशन है, जिन्हें देखकर दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, OMG ये मेरा इंडिया। OMG, ये मेरा।